सबसे पहले आज सूरजपाल जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि आप लोग भी अपनी आवाज को बहुत बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जेहन में क्या ख्याल आता है? नफरत भरे बयान जो हैं वो देश के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं क्या? अगर मैं क्योंकि अधिवक्ता भी एडवोकेट भी हूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मैंने पढ़ा है, उस ऑर्डर के अंदर इस प्रकार की टिप्पणी का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। और रही बात नुपुर शर्मा के विषय की, क्योंकि पूरा देश पूरा विश्व इस विषय को जानता है और नुपुर शर्मा ने अपने शब्दों को वापस भी लिया है। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी टिप्पणी के पीछे उनका क्या मकसद था या क्या था, परंतु मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो ये कट्टरता सिर्फ नुपुर शर्मा के नाम लेने से कन्हैया लाल की हत्या हुई है, मेरा इस पे ऑब्जेक्शन है, ठीक है, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, ये इस टिप्पणी का मैं अधिवक्ता होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते इसका विरोध करता हूं। इस प्रकार की टिप्पणी मैं नहीं मानता कि ठीक है। आपको लगता है कि कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी सामने आई है वो फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन रिटर्न में उन चीजों का जिक्र नहीं है? ठीक है, मैं सीधे अब से आलोक शर्मा जी आपके पास आते हुए, सुप्रीम कोर्ट की यकीनन टिप्पणी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के बीच दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, नफरत भरे बयान हर तरफ से सामने आते हैं और फिर वो देश के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आप जुड़े हैं सीधे इस डिबेट शो में, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं समझता हूँ उच्चतम न्यायालय का जो आज वक्तव्य आया है या टिप्पणी जिसको कह रहे हैं हम, वो बहुत ही दूरगामी है। उसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है कि जो पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल तमाम स्तर पर हो रहा था और जिस तरह से एकांकी प्रतिक्रियाएं चारों तरफ से की जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से जो बात हम कह रहे थे वो उच्चतम न्यायालय ने कही है। उच्चतम न्यायालय ने जब कहा है कि एक व्यक्ति उदयपुर की घटना के कहीं ना कहीं मूल जड़ में वही व्यक्ति बैठा हुआ है, मैं तो कहूंगा कि वो केवल व्यक्ति भी नहीं, वो आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी, क्योंकि ये दोनों का जन्म ही नफरत के साथ साथ हुआ है। आज बीजेपी ने पूरे देश के को पूरा शर्मसार किया है, क्योंकि गलती बीजेपी की और आरएसएस की ही है। किस तरह से है कि जब 10 दिनों तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, विदेशों से जब फटकार लगी सरकार को, एम्बेसडर्स को जब बुलाया गया, तब जाकर ये सरकार जागी थी। आज मुझे लगता है कि आज बीजेपी को बड़े विनम्रता के साथ अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, मीडिया में आना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, और एक आज आयना दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये आयना देखिए, सच्चाई और वास्तविकता ये है। उन्होंने यहां तक कहा है कि जिस तरह से एक वो कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की जो नफरत भरी विचारधारा है उसकी वजह से माहौल खराब हुआ है और कार्रवाई कर लेते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। जल्दी से एक लाइन में अपनी बात को खत्म कीजिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि हम बार बार कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, अशोक गहलोत साहब ने भी कहा कि आप शांति की अपील कीजिए, आप शांति की अपील भी करने के लिए तैयार नहीं थे। आज घटना हुई, अशोक गहलोत जी ने किस तरह से अपना परिपक्वता देते हुए और जिस तरह से पूरे मैटर को हैंडल किया है, आज बीजेपी को सोचना चाहिए क्या नेशनल लेवल पर इस तरह की शांति की अपील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या लोकतंत्र के चारों स्तंभों का, क्योंकि आज मीडिया के एक एंकर के ऊपर भी बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है, क्या चारों स्तंभों की जिम्मेवारी नहीं है कि इस जो नफरत की आग, जो केरोसिन राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले कहा था, वो फैला हुआ है। आज कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय ने उसको भांपते हुए बीजेपी को एक आयना दिखाया है कि अगर विकास चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या आप आयना देखने को तैयार हैं संगीत रागी जी? सवाल तो ये भी पूछे जाएंगे ना कि आयना दिखाने का काम तो किया गया है, लेकिन क्या आप उस आईने को देखने के लिए तैयार हैं? तल्ख टिप्पणी पर क्या कहेंगे आप? चित्रा जी, जिस समय कार सेवकों को गोधरा में जलाया गया था, उस समय कौन सी उत्तेजनात्मक बात की गई थी? इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हर बार हिंदुओं को ही कोसा जाता है। हम इस टेलीविजन स्टूडियो में जब भी बात करते हैं तो हमारी बात होती है हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं। किसी टेलीविजन की ये हिम्मत नहीं होती और किसी प्रवक्ता की ये हिम्मत नहीं होती कि आकर के कहें कि मदरसों में जिस इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि काफिर कौन है, जो तुम्हारा मानने वाला ना है, जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानता है वो काफिर है, और काफिरों पर तुम्हें काफिरों की खात्मा भी तुम्हारे दीन का काम है, जिस मदरसों में ये पढ़ाया जाता हो कि कुफ्र क्या है, जिस मदरसों में ये सारी पढ़ाई जाती हो। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा कि इस्लाम दूसरे धर्मों को दुश्मन मानती है। आप अपने यहां क्या पढ़ाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सवाल आपसे पूछा गया था उसका भी जवाब दे दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इस्लाम पर तो आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। चित्रा जी, मैं इसलिए कह रहा हूं
कि जब देवबंद जिहाद की परिभाषा पढ़ाता है अपने मदरसों में, जिस पर आरिफ मोहम्मद खान ने भी कहा कि 11वीं शताब्दी का हिदाया जो आप पढ़ाते हैं, और ये देवबंद यहां भी है और ये देवबंद वहां भी है, पाकिस्तान में भी है, जो खुलेआम तालिबान की बात करता है, मुझे तो हैरानी होती है कि कांग्रेस का प्रवक्ता के जुबान से एक शब्द भी तालिबानी मानसिकता के खिलाफ नहीं बाती है। इस देश में जिस नासूर को उन्होंने 70 साल में आजादी के पश्चात भी पाल करके रखा, उसके बारे में जिक्र नहीं आता है। कम से कम माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान अंबेडकर जी की, जिसकी जिक्र बार बार आप करते हैं, उसी अंबेडकर ने पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा पेज नंबर 324-25-26 कि भारत के अंदर इस्लाम और हिंदुओं में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही है, उनका ब्रदरहुड जो है वो इस्लामिक ब्रदरहुड है, वो दूसरों को भाई मानते ही नहीं है, ये उनकी विचारधारा का ये सबसे बड़ा ये है। समय समय पर तो आप लोग बयान देते रहते कि पाकिस्तान चले जाए। मैं लौटूंगी आपके पास आलोक शर्मा जी, मैं लेकिन कह रहा हूँ कि जो मानसिकता पहले थी उस मानसिकता में आज है। सुप्रीम कोर्ट की जो सीरिया की मानसिकता कौन पैदा किया, ये सीरिया की मानसिकता कहाँ से आ गई, तालिबान की मानसिकता कौन पैदा करता है? आपको लगता है कि भड़काऊ बयान से पैदा होता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये मानसिकता उस शिक्षा की है जो धार्मिक शिक्षा मदरसों में दी जाती है, जो मौलाना इस्लाम की कांग्रेस के प्रवक्ताओं की रीढ़ में हड्डी नहीं है कि आकर के इसका विरोध कर सके। आलोक शर्मा जी, मैं एक रिस्पांस देना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो टिप्पणी एक बहुरूपीय व्यक्ति ने दी, जो कभी आरएसएस का बनकर बैठा, हम भी कह सकते हैं कि एक बेहुदा आदमी आकर के टिप्पणी कर रहा है। प्लीज प्लीज, नहीं तो इस पर कोई भी व्यक्ति की टिप्पणी नहीं। ये आरएसएस की सही मानसिकता होगी, ये ठीक नहीं, तुम्हारी सोनिया गांधी होगी, जो आरएसएस की सही मानसिकता है। आरएसएस